Hi guys, welcome back to our channel. Welcome to Evi Sharma's vlog. Vlog. इसको देखो लड़के को. Hi Ashu. Ashu ने क्या करा था आज? मम्मा आई थी तब Ashu ने क्या करा था? क्या करा था? चुचू करी थी. हाँ, करी थी चुचू. आपने चुचू करी थी? देखो, देखो इसे चुचू करता है ये लड़का चुचू कर रहा है. ये गंदा बच्चा हो गया. इसको नहीं लेके जाएंगे कहीं भी. Ashu कहीं नहीं जाएगा. नो घूमे घूमी फॉर Oscar. तेरे को नहीं लेके जाएंगे. आप चुचू करते घर में तो आपको नहीं लेके जाएंगे. आपको बांध देंगे. आपको किचन में रहना पड़ेगा. क्या किचन में? मक्खन लगा रहा. देखो देखो मक्खन लगा रहा है. मक्खन लगा रहा है. और कल का व्लॉग तो आपने देखा है. देख ही लिया. अच्छा व्लॉग था ना बाय द वे. तो आपको दिखा दो कि उस व्लॉग में जो प्राणी थे हमारे साथ वो आज भी यही है. हाय जोगो बुबू, हाउ आर यू? वी आर गुड टू. तुम इतनी कठपुतली जैसे हाय क्यों कर रही हो? मैं हूँ डुबू द डॉल. और ये है Oscar द पति. दिखा दो पति को. पति का मैं होने वाला पति. मेरे पुराने पति को देखो. होने वाले पति. ओ होने वाले पति. सुनाई नहीं दे रहा उसको. क्यों इस देखो क्या करने गया. ये टॉय लेने गया होगा. वहां से ढूंढ रहा Ashu. देखिए ऐसे निकला. क्या कर रहे हो आप? क्या आपने मुझे बुलाया? यस Ashu को बुलाया. कम इन, इधर आओ. ऊपर आओ, ऊपर आओ जल्दी. तो अभी मैं आ चुकी हूँ घर. और आज थोड़ा सा मेरा जो सामान, एक जो चीज़ मैंने मंगाई थी ऑर्डर करके, जो कि मेरे हील्स हैं, वो आज सुबह सुबह ऑर्डर होके आ चुके हैं. मुझे मैंने खोले भी नहीं है, तो मैं इनको खोलूँगी. थोड़ा अनबॉक्सिंग करेंगे इसका. उससे पहले कि Oscar को खाना खिला देते हैं. Oscar को लगी है भूख. और डुगू आज घर पर, तो हमने ऑर्डर कर लिया, मतलब डुगू ने ऑर्डर कर लिया खाना. तो डुगू मतलब खाना खाएँगे. उससे पहले मैं Oscar के लिए बना देती हूँ रोटी. रोटी Oscar के लिए बनेगी रोटी. Ashu को लग रही है भूख की. Ashu ने गंदा बच्चा. तो रोटी बना के देखते हैं क्या करेंगे. मार्केट पर मारेंगे. और क्या एक होते हैं बक के फार्म है, बढ़ रहे हैं क्या ऐसा. तो वही है. अब आपको पता नहीं ये वर्ड का मतलब. मैं बोल नहीं सकती व्लॉग में. दिस नॉट दैट विल नॉट दैट विल नॉट लुक गुड. और एक और चीज़ छोटी 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 कर जा रही हूँ मैं. छोटी मोटी चीज़ भी लाने की मुझे, तो वो भी आ चुकी है बर्थडे के लिए. बड़े में से कुछ एक चीज़ लेनी थी, तो वही चल रहा है. क्यों होने वाला है वो पता नहीं, बस लेट्स सी. चलो बाय, बना लेते खाना फटाफट से. इसे टकर टकर कर ले. अरे अब तो खोल ही नहीं है. गाइस ये पार्सल मैंने रिसीव किया था मॉर्निंग में. तो इसके अंदर क्या है वो हम आपको नहीं बताएंगे अभी. ये आपको बाद में पता चलेगा. मतलब पहले ये तो बता दें हील्स है, लेकिन कौन से वाले हैं वो आपको बाद में. यही यही मुझे तो बता दोगी ना. सब छुपा के रखते हैं, दिखाता कोई नहीं. इन ब्रांड का देख लो, कार्ला ब्रागा. भाई गाइज डुगू तो चली गई ऑफिस से घर, मतलब ऑफिस से अपने घर. और मैं ऑफिस से आ चुकी हूँ अपने घर. डिनर हो चुका है. डिनर में बाहर से अभी शॉर्मा मंगा लिया था, क्योंकि बहुत कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था. और क्या बनाऊँ मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी. बट अभी हमारा मन कर रहा है दोनों माँ बेटे का तरबूज खाने का. तो देखना चाहते हैं आप? मेरी बेटा तरबूज खा रही है. ही इज अ गुड बॉय. और ये मामा का तरबूज है, ये Ashu का तरबूज है. Ashu बचपन में वाटरमेलन, ककुम्बर और मस्क मेलन सब खाता था. कुछ टाइम इसमें छोड़ देता, लेकिन अभी वापस से खाने लगा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार ये खा रहा है. तो वाटरमेलन स्पेशली सिर्फ Oscar के लिए आता है, कि उसकी वजह से हमें खा लेती हूँ वो बात अलग है. लेकिन आते प्रायोरिटी के लिए Oscar के लिए है वो.
और आज ऑस्कर के लिए और भी चीजें आई हैं। ऐसा लग रहा है कि आज ऑस्कर डे हो रहा है, मेरे बर्थडे से पहले ऑस्कर का दिन मनाया जा रहा है। तो बात यह है कि ऑस्कर के लिए भी गिफ्ट आ रहे हैं गाइज, बर्थडे मेरा लेकिन गिफ्ट आ रहे हैं ऑस्कर के लिए। तो एक और बहुत ही अच्छी चीज़ आई है ऑस्कर के लिए, वो मैं वाटरमेलन खा लेती हूँ उसके बाद आपको दिखाऊंगी। एंड क्या आप ये बता सकते हैं कि व्हाट इज़ माय प्लान फॉर बर्थडे, और क्या आप नानू को देखना चाहते हैं बर्थडे में मेरे साथ? एनी वेज शी इज़ गोना बी विद मी, तो ये तो आपको पता ही है वो होती है मेरे साथ चीज़ों में। बट मैं अभी तक व्लॉग में उसको नहीं ले रही थी, तो क्या आप चाहते हैं नानू को मैं अपने बर्थडे व्लॉग में ले लूँ? और एक बार अगर वो बर्थडे व्लॉग में आ गई तो वो आने ही वाली है, और बहुत सारी चीज़ें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए वक्त आने पे आपको ज़रूर सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है मैं अपने लोगों से कोई झूठ नहीं बोलना चाहती, और हर एक चीज़ का जवाब मिलेगा। मैं आपको कोई ऐसे बहकाऊंगी नहीं कि यार ये नहीं है ये नहीं है, हर चीज़ का सही सही, अब ना मानना ना मानना आपके ऊपर है, लेकिन हर एक चीज़ का एक अच्छा आंसर, अच्छा रिवर्ट दिया जाएगा, रिप्लाई किया जाएगा। तो यस चीज़ें अच्छा नो बेटा नीचे नहीं खाते। तो ऑस्कर अपना वाटरमेलन ख़त्म कर चुका है जब से मैं ये बक बक कर रही हूँ। ऑस्कर भाई साहब अपना वाटरमेलन खा चुके हैं, आशु फिनिश कर दिया आपने, गुड बॉय हो गए वो आप तो हैं। और वो जो पीछे बॉक्स रखा है उसमें ऑस्कर के लिए कुछ आया है, तो वो थोड़ी देर में दिखाया जाएगा आपको कि क्या है वो। लेकिन मैं अपना वाटरमेलन खा लूँ क्योंकि ऑस्कर भाई साहब अपना ख़त्म कर चुके हैं। मैं अपना नाइट रूटीन ऑलरेडी कर चुकी हूँ, और मेरे नाइट रूटीन में मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, एलोवेरा जेल और क्या लगता है लिप बाम, दैट्स इट, वैसलीन वो भी। तो बारिश हो रही है मुंबई में, और जो एक चीज़ मुझे आपको दिखानी थी कि ऑस्कर के लिए कुछ स्पेशल आया है। इसमें भैया को देखो यहाँ बैठे हैं, आशू क्यों बैठे हैं आशू यहाँ पे? क्योंकि इसने भी पेडिग्री खाया है। ये भी अपना नाइट का रूटीन कर रहा था क्योंकि इसको पेडिग्री वैसे खाता है, जो मैं इसको दो दो दाने देती हूँ उसमें कुछ ज़्यादा ही है, इसमें कोई प्यार मीठा है। मेरी बेटा है मेरी बच्चा, और जो आपके लिए आया था वो, और जो मम्मा के बर्थडे पे कहीं जाओगे आप मम्मा के साथ? मम्मा के साथ जाओगे कब? तो मम्मा के साथ जाएगा ये मम्मा के बर्थडे पे, पता नहीं कहाँ, जो मम्मा को भी नहीं पता है। बट इस बॉक्स में, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में आया क्या है वो दिखाया जाए। और ये ऑस्कर के लिए आया है, सो वी वर लाइक सो मच एक्साइटेड कि भाई मतलब हमारे लिए कुछ नहीं आ रहा है लेकिन ऑस्कर के लिए आ रहा है चीज़ें, बर्थडे हमारा और ये चीज़ें ऑस्कर के लिए, तो दिखाया जाए। आर यू एक्साइटेड? यस आर यू? आई एम टू सुपर एक्साइटेड टू शो यू गाइस ये ऑस्कर के लिए क्या आया है ये। टन टन, सो ये देखिए मिस्टर ऑस्कर। अशोक ऐसे दिखाओ, ये देखिए मिस्टर ऑस्कर है ना ऑस्कर। भाई मेरा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है, दू दू। तो ये ऑस्कर की एक पेंटिंग आई है, एक वोरी पेंटिंग ऑस्कर की, एक ये पेंटिंग ऑस्कर की। तो ऑस्कर के लिए दो हैंडमेड पेंटिंग्स आए हैं, ये किसी ने बनाया है, मतलब एक इससे बात हुआ था हमारा, तो उन्होंने बना के भेजा है ये, विच इज़ मैं क्या बोलूँ, मतलब वर्थ नहीं है, इतना प्यारा बनाया है ना उन्होंने, इतना अच्छा लग रहा है उसका टेक्स्चर भी, और जो इस तरीके से जिस बारीकी से काम किया गया है वो आँखों पर, सेम पुराने वाले का भी था, तो पुराना वाला आपने शायद उसका रील देखा होगा ऑस्कर के पेज पे, तो बट सेम ही उन्होंने जितने मेहनत से बनाया था, यार किसके लिए क्या बोलूँ, दोनों ने इतने मेहनत से बनाया, और साथ में इसको जो इस तरीके से भेजा है उन्होंने, मतलब वो पूरा फ्रेम करा के, बहुत ही अच्छा, मतलब मेरा दिल लगा। और ये एक्चुअली आया है सिक्किम से, तो मुझे ऐसा लगा यार इतना दूर ईस्ट इंडिया हो गया ना, मतलब वो ईस्ट इंडिया, तो मैं जैसे अरुणाचल जाते हैं और सिक्किम वहीं उसी साइड है, तो इतना और मुझे पता है कि वहाँ पे जाने में इतना टाइम लगता है, सोच में मेरे को अब तो थोड़ा सा ईटानगर अरुणाचल जब मैं जाती हूँ तो भी मुझे ऑलमोस्ट सुबह की निकली मैं 3-4 बजे पहुँचती हूँ वहाँ पे, तो जब मैं पहले जाती थी तो मेरा सुबह से फ्लाइट पकड़ के मेरे को रात हो जाती थी अपने होटल पहुँचने के लिए। बट वहाँ से आना, वहाँ से ट्रैवल करना इज़ लाइक फुल डे आपका लग जाता है, और ट्रेन से तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो गाइस जिन्होंने ये भेजा है, पोर्ट्रेट टेल्स नाम है उनका, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। आपको भी अगर अपने पेट्स के लिए कुछ भी बनवाना है तो आप प्लीज़ उनको ऑर्डर करें, बहुत ही उम्दा बनाते हैं वो लोग, और ये दिल जीतने वाला काम कर दिया यार उन्होंने सच में। बट दिस दिल जीतने वाले पे जिसकी फ़ोटो बनी गई वो लड़का करके आया है, देखो वहाँ क्यों बैठा है ये, अशोक वहाँ क्यों बैठे हो, क्या हुआ, क्या चाहिए? ये अलमारी के पास इसलिए बैठा है क्योंकि ये वाले अलमारी में
इसके ट्रीट्स पड़े हैं और ये इतना शाना है, इसको ट्रीट्स खाने की हुड़क हो रही है। अब भी इसने पेडिग्री खाया, अब भी इसने बिस्किट खाया, अब इसको ट्रीट्स खानी है, चिज्जी खानी है, है ना? चिज्जी खाने बैठे हो ना आप वहाँ। इससे पूछो ये मम्मी को क्या गिफ्ट दे रहा है बर्थडे पे। हाँ बड़ा, और एक सच बताऊँ कि जितना एक्साइटेड मैं रहती हूँ मेरे बर्थडे के लिए, मैं अब नहीं हूँ, मतलब हूँ बट उतनी नहीं हूँ, क्योंकि हम मेरे बर्थडे के प्लान्स कुछ अलग अलग हो रहे हैं, और जिसमें से डुगो ने मुझे आने के लिए, मतलब उसने मना कर दिया कि वो नहीं आएगी, तो और सिमरन का भी थोड़ा मुझे डाइसी हो रहा है, मधुप्रीति ने मना कर दिया, एंड आई वाज लाइक यार सीरियसली बर्थडे पे कोई नहीं होने वाला है, ये लोग वो हैं जो मैटर करते हैं मुझे, पारुल है नहीं यहाँ पे, लंदन में है, बट एनीवेज वो फिर भी दिल्ली में रह के नहीं आ सकती थी, बट सिमरन जैसे भी ट्रैवल करते रहते तो सिमरन का था मुझे कि आएगी, बट आई डोंट नो कि वेदर वो आ रही है कि नहीं। डुगू बींग माई फैमिली, बींग माई बेस्ट फ्रेंड, वो भी नहीं आ रही है, एंड एवरी वन नोज अबाउट इन माई सर्कल कि मुझे मेरा बर्थडे कितना स्पेशल करना पसंद है, कितना ज़्यादा मुझे ऐसा होता है क्या मेरा बर्थडे है, मैं सुपर ऐसे सातवें आसमान पर होती हूँ अपने बर्थडे पे, मैं अपने बर्थडे के आउटफिट्स एक महीने पहले देखने लग जाती हूँ, एक और वो कितने भी एक्सपेंसिव हों, कितना भी कुछ हो, अगर मेरे को अपने बर्थडे के लिए अगर वो आउटफिट समझ आ गया तो मुझे एनी हाउ वो चाहिए, तो मैं आई डोंट नो, अब फीलिंग्स ही नहीं आ रही पता है बर्थडे सेलिब्रेट करने की, मुझे अजीब सा हो रहा है। अब जो बोलते हो ना कि कुछ है इस हंसी के पीछे, कुछ है, अरे है तो बहुत कुछ है, सबकी लाइफ में होता है, किसकी लाइफ इतनी स्मूथ चल रही है मुझे नहीं समझ आता, पर मेरे को लगता है कुछ ज़्यादा ही हो रहा है अब, मतलब मेरे को ना बर्थडे का एक्साइटमेंट भी नहीं आ रही ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा वाला गंदा वाला, मैं तो मेरे को मार दूँ जाके किसी को, मतलब अपने आप को या किसी को क्या मारूंगी, मैं सिर पटक लेती हूँ, ऐसा वाला इरिटेशन लेवल हो रहा है कुछ अजीब से, और पता है वैसे जो आपको मैंने बताया था दिल घटना, वो तो मेरा चलता ही रहता है पता नहीं क्यों, एनीवेज बट आई एम स्ट्रॉन्गर, या आई एम स्ट्रॉन्गर, आई एम अ हैप्पी पर्सन एंड आई लव टू बी हैप्पी, और कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में वापस लानी हैं, जो चीज़ें मेरी छूटती जा रही थी वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से मुझे पता है कि मैं बहुत नुकसान झेल चुकी हूँ ऑलरेडी ये दो तीन महीनों में, क्योंकि मेरा जो इनकम आता है कहीं और से, लाइक इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा मेरे प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं, वहाँ से मेरा बहुत बहुत नुकसान हो गया है, दूसरा मेरा यूट्यूब पे भी मैं इतना ध्यान नहीं दे पा रही, जहाँ मैं इतना एक्टिव हो गई थी कि भाई मेरा अच्छा खासा मैं आ रहा था वहाँ से भी, तो विच इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट फॉर मी, और इम्पॉर्टेंट के साथ साथ दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि मुझे पैसा चाहिए वहाँ से, मुझे ऐसा है कि मेरी हॉबी है, मेरे को वो काम करना अच्छा लगता है, दैट मेक्स मी फील हैप्पी, मेरे को कैमरे में शूट कराना, मतलब वो एक कम्फर्ट जोन में रहना, और जो मुझे अच्छा लगता है मेरे को वो पसंद है करना, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को बहुत वापस उस जोन में ले गई हूँ कि काम नहीं करना, ध्यान नहीं देना, और मैं ऐसी हूँ नहीं, और मुझे ऐसा होना नहीं है, ऐसे कि ऐसी मैं थी किसी एक टाइम पे, बट अभी मैं वैसी नहीं हूँ, सो आई जस्ट वॉन्ट कि मैं जैसी हूँ वैसी मैं हो जाऊँ, और जैसी मैं हूँ उससे ज़्यादा मैं बेटर करूँ, क्योंकि मैं अपने आप को ग्रूम करना पसंद करूँगी इंस्टेड ऑफ कि अपने आप को मैं नीचे तक ले जाऊँ, तो एंड आई रियली डोंट केयर वॉट पीपल से अबाउट माई बैक और इन माई फ्रंट, बिकॉज इट्स माई लाइफ ब्रो, एंड मुझे जो करना है मुझे करना है, देर इज नो वन, जब मैं मेंटली प्रेशर में होती हूँ किसी में, या फिर जब मैं परेशान होती हूँ, एक्सेप्ट माई सम लव्ड वंस, कोई नहीं होता मेरे लिए, कोई नहीं होता, कोई ट्राई भी नहीं करता अंडरस्टैंड करने को मेरी सिचुएशन, तो बस यही है ये आज का ज्ञान हो गया बाय द वे, तो गाइज प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, बी हैप्पी, डू वट एवर यू वॉन्ट टू मैन डू मैन, ये सलमान खान का लाइन जो लाइन है एक्चुअली इसको मीन करके अपनी लाइफ में जमा लो, बिकॉज देर विल बी नो वन, जब आप मर रहे होगे ना या फिर आप कहीं फंसे होगे, कोई नहीं आएगा, सब अपनी लाइफ बचा रहे होंगे और आप अकेले खड़े रह जाओगे, एंड दिस इज ओनली वन लाइफ, आपको नहीं पता आप कब तक हो, तो क्यों मर मर के जीना है, लेट्स एन्जॉय एवरीथिंग, तो यहाँ पे करते हैं वाला ब्लॉग एंड इन बहुत सारे ज्ञान की बातों के साथ, आपको करना है लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन पे है सबके लिंक, बाय, गुड नाइट, टूटल्स के चिकी चिकी से, आई लव यू, टिंग बाय टिंग।